हेलो। हेलो, वालेकुम। कौन? कौन? मैं राहिल खान बोल रहा हूँ। इमरान सलफी साहब का नंबर है ये? जी, आप ही बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आपकी आवाज से मुझे लगा किसी खातून ने फोन उठाया है। माजरत चाहूंगा। नहीं, वो कभी मतलब शुरू शुरू में बोलो तो ऐसे ही लगता। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को वसीले पे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बात करनी है। किस वसीले पे, पर? अच्छा, उसी के मुतालिक आपने बताएंगे। पोस्ट पोस्ट बनाई थी। और इंशाल्लाह आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं बहुत इत्मीनान से बात करूंगा। मैं जब तक मेरा ब्लड प्रेशर तब तक हाई नहीं होता है जब तक सामने वाला हमारे किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी करे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, या अल्लाह सुबहान तआला की शान में गुस्ताखी करे, या हमारे जो दिल अजीज मोहतबर उलेमा इकराम है उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बहुत खुलूस और मोहब्बत से मैं बात करता हूँ। अच्छा, हमारे लिए वो जी हमारे लिए। नहीं, हमें आपका तो नहीं पता, हमें गैब का इल्म नहीं है, हम अपने बारे में बता रहे हैं आपको। जी अच्छा, चलो तो ठीक है। आप अपनी बताइए, क्या बताना? जी तो वसीले के ताल्लुक से बात करेंगे। आपको एतराज था कि जी, गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है, शिर्क है, ये आपका दावा है? जी यही आपका दावा था? हाँ, बोलिए। तो जब मुनाजरा शुरू होता है तो सबसे पहले तो शराइत तय कर ली जाती है। तो जो हम लोग बात करेंगे वो जी, इंशाल्लाह। मैं मेरी बात सुनोगे आप? कुछ देखिए, बिल्कुल सुनाइए। मुनाजरे का मतलब देखो, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुनाजरा पहले लोग कैसे करते थे बताओ आपको। मैंने मैं आपसे पढ़ा है, आप बताइए। मेरी तो मतलब ये लोग मतलब पहले क्या करते थे, इतनी लड़ाई हो जाती थी मुनाजरा करते करते कि लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने लग जाते थे। अच्छा, लेकिन वो लोग एक नियत की मतलब इस हिसाब से नहीं करते थे कि हमें या तो इसलाह करनी है अपनी, या हक भी आना है हमारे लिए। ठीक है, हमें हक भी आना है। वो लोग इस नियत से नहीं करते थे। और ये जो आजकल लोग कर रहे हैं ना, फेसबुक पे डिबेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह पे, जो मुनाजरा कर लो मुनाजरा कर लो, इस हक से नहीं समझाते, मतलब इस नियत से नहीं समझाते हैं देखो कि इसकी इसलाह हो जाए। सही कह रहा जी। और नियत का मतलब हमारे करार वदार सब नियत पे है। ठीक है, जी। वैसे मैं तो आपके हिसाब से बिल्कुल भी रत्ती भर भी इलम नहीं रखता, जितना आप जान दोगे मेरे हिसाब से। नहीं, मुझे भी कोई इलम नहीं है। नहीं, 0% भी इलम नहीं रखता आपके मुकाबले। जी, मैं भी लेकिन फिर तालिबे भी इल्म हूँ, मैं भी इल्म ही सीख रहा हूँ। मैंने फिर भी आपसे कह दी, क्यों? क्योंकि देखो, इज्जत और बेइज्जती तो अल्लाह के हाथ में, हार और वो, क्योंकि मेरे को हक जानना है। ठीक है ना, बेशक अगर बात होती है वो, आप मैं अपनी गलती को आप फेसबुक पे भी देखते होंगे या देख, मतलब आप तो है मेरे लिस्ट में, जो अगर जो हक बात है सो है, क्या कुछ भी होगा, और जो हक बात नहीं है वो नहीं है। जी ठीक है, और ना कोई जबरदस्ती बनवा सकता है। जी हाँ, लेकिन लोग फिर भी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हम पे क्या फर्क है? हम भाई सब नबियों को गाली मिल सकती, तो हमें क्या, हम तो सिद्धि भर भी नहीं है उनके, उनकी चरणों के धूल भी नहीं है उनके कदमों के। तो इस नियत से मैंने, इस नियत से आपसे वो बात कह रही थी कि मुनाजरा कर लो मुनाजरा कर लो। मेरी हर पोस्ट ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें उन्होंने मुनाजरा नहीं किया, और जो मैंने पोस्ट डाली है मतलब इसके मुताबिक उस पर ऐसी कोई सी पोस्ट नहीं है आपने देखी जिससे गालियां नहीं मिली हो मुझे। खैर, वो देखिए, वो जो गाली दे, मैं तो उनकी अलग बात है, सबका अपना अपना मैटर होता है। लेकिन इसी हिसाब से देखो, आपसे पहले मैंने एक को फोन लगाया था। ठीक है जी। तो मैंने अपने आप लगाया था, मैंने कि भाई मतलब हमारी बात हो रही थी, हमारे गांव जो, मैं दिल्ली में रहता हूँ उस टाइम। अच्छा। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने की तुम्हें मेरे फोन के लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने कि भाई एक टीम के हिसाब से मैंने किसका अपनी इसलाह करने के लिए आपको फोन लगाया है, आप मेरे ये सवाल है इसका जवाब दे दे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे, वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे, वो तो मौलाना है। जी जी, वो मौलाना है। उन्होंने कही थी तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे फोन लगाने की, तुमने मुझसे पूछा? जबकि मैंने उनसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया था कि मैं आपको फोन कर सकता हूँ। जी जी, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते। इतना बुरा वाला था, इसीलिए मैं फोन पे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। नहीं, इंशाल्लाह हमसे जब बात, जब हम हमसे बात करेंगे। नंबर नहीं दिया अब, और मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इसलाह हो जाए, हमारी जो हक है वो हक सामने आ जाए सबके। जी, बस उम्मत में फसाद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह नहीं होगा। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग जब, अगर देखिए, अगर हम बोले तो फिर उसमें आप खामोशी इख्तियार करें, जब आप बोले तो इंशाल्लाह हम खामोशी इख्तियार करेंगे। यही 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 हमारा है। जी, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अगर कोई इंसान अपनी इसलाह चाहता है, जैसे मसलन हम आपको एक बहुत छोटा सा उसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम वसीला
इस्लाम में लेना जायज है या हराम है। अगर हम अपनी इसमें इस्लाह चाहेंगे तो हम कभी फेसबुक पे या किसी से दावा नहीं करेंगे कि वसीला हराम है, ये तो दावा हो गया। इस्लाह जब हम करेंगे तो इस्लाह जब हम चाहेंगे मेरी हो जाए तो हम ये लिखेंगे क्या वसीला इस्लाम में ले सकते हैं, कोई आलिम दीन हमारी इस्लाह फरमा दे, ये तरीका होता है इस्लाह का। लेकिन अगर कोई ये लिख रहा है कि नहीं वसीला हराम है शिर्क है, तो फिर ये इस्लाह नहीं हुआ, ये दावा हो गया। और दावे के लिए देखिए, अगर मैंने भी कहा था जब मैं बोलूंगा तो फिर आप ना बोलिएगा। देखिए आपने कहा था कि आप यही बात करते हैं, मैं बहुत आपसे मुतमाना अर्ज कर रहा हूँ। तो जब कोई किसी का दावा करता है तो उसकी ये हक बनता है कि वो दलील भी पेश करे, ठीक है। अगर मैं आपसे दावा करूं कि मैं वसीले को हलाल कहता हूं, तो फिर आप ये मेरा फर्ज बनेगा कि मैं उसके पीछे दलील भी पेश करूं कि हाँ वसीला जायज है। अब आपने जिस तरह से अर्ज किया है फेसबुक पे कि वसीला हराम है, तो मेरी आपसे ये बहुत मोहब्बत से इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुरान और हदीस से ये बता दें, क्योंकि हम आपने पहले तय हो गया था कि हमारी आपकी बात कुरान और हदीस के अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो कुरान और हदीस से, सबसे पहले कुरान होता है फिर हदीस, तो कुरान से आप मुझे कोई ऐसी आयत करीमा पेश कर दें जिसमें वसीला मुसलमानों को लेने से अल्लाह सुबहान व तआला ने मना फरमाया हो या हराम फरमाया हो। बराए जी हाँ बाप बोले, वसीले का मतलब होता है जरिया, होता है यही होता है और कुछ होता है। वसीले का मतलब होता है जो लुगत, अगर आप लुगत के लुगवी मायने देखेंगे तो लुगवी मायनों के अकॉर्डिंग वसीले का मतलब होता है कुर्ब हासिल करना, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग कुर्ब हासिल करना, अब हम लोग क्योंकि मतलब कहीं तक पहुँचने के लिए जरिया बात एक ही है, जहाँ पे पहुँच जाएंगे जी नहीं, लेकिन जो जो लुगवी मायने हैं हम आपको एक्चुअल लुगवी मायने ही बता रहे हैं जी। अब आप कंटिन्यू करें जी, जी तो वसीले का आपने कहा, जैसे उसमें आयतें भी मैंने दी है जो आप पोस्ट पे डाली होंगी, उन्होंने कहा था मुनाजरा कर लो तो उसमें आयतें भी लिखी होंगी, लिखी थी नहीं लिखी थी? नहीं मैंने वो चीज नहीं देखी, कोई आयतें करीबा तो उसमें मुझे नहीं दिखाई थी। उन्होंने आपको मेंशन करा और आपने मतलब मुनाजरे के लिए हाँ कर दी जी, क्योंकि अगर कोई चीज कुरान और हदीस के खिलाफ अगर कोई बोलता है। देखिए मैंने इससे बात नहीं करी है, मैंने आपसे, देखिए मुतालबा कहीं और चला गया, बात कहीं और चली गई, फिर आपसे वही मुतालबा है कि अगर वसीला हराम है मुसलमानों के लिए तो उसको कुरान से या हदीस से साबित कर दें। बराए करम अब आप बोले हम सुनेंगे। हाँ देखिए मेरी बात सुन जी, जो मैंने पोस्ट किया है जी उसमें उसमें आयते हैं, ठीक है। अगर आप पोस्ट पढ़ लेते तो अगर उनके मुताबिक हमें कुछ कहते, अगर आप उन्होंने मेंशन करा, ठीक है आपने कह दी आप अपना नंबर दे दो हम आपको कॉल करेंगे जब आपने कर ली, लेकिन जो पोस्ट लिखी थी जी जो जिससे आपको मेंशन किया गया था वो आप पोस्ट पढ़ी आपने? अच्छा चलिए मैं आप चलिए ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है तो आप एक काम करिए, आप वही पोस्ट खोल लीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, आप फेसबुक पे उस पोस्ट खोल लीजिए, उसमें जो आयते करीमा बतौर हवाला आपने पेश करी है उनको यहाँ बता दीजिए। चलो वो रहने दो, मैं आपको बता दूँ, आप वसीला बोल रहे हैं ना, वसीला अच्छा मतलब किसके लिए ले हम वसीला? नहीं हर चीज के लिए ले? नहीं, नहीं देखो वसीले वसीला तो बहुत चीजों का है, ठीक है। बस हम कहीं जा रहे हैं वो भी बस में आ रहा है वो भी एक वसीला हो गया, ठीक है। और अगर हम किसी अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे जब भी नमाज जो अजान के बाद वो पढ़ी जाती है दुआ पढ़ी जाती है उसमें भी वसीला, तो अल्लाह का वसीला लगा, ठीक है। तो वसीला हम अल्लाह के नेक नाम, जबकि अल्लाह सुभान व तआला जिन लाता कयामत अल्लाह का वसीला लगा, एक मिनट, अल्लाह का वसीला लगा, हम तो अल्लाह तक पहुंचने का वसीला ढूंढते हैं। अगर आप अल्लाह का वसीला लगा रहे हैं यानी कि आप किसी और तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लफ्ज पे अपने बहुत गौर फरमाइएगा जब आप दीन के बारे में बोल रहे हो। एक भी सुन लीजिए मेरी बात हजरत, एक भी लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलेगा वो हमारे अमाल नामे में लिख दिया जाएगा और हमें उसका पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब क्या कह दिया। तो आपने कहा अल्लाह का वसीला, तो अल्लाह का वसीला नहीं, आप अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढ रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर बोला करिए। आपने बीच में गलत कह दिया, मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरा फर्ज ये इस्लाह की नियत से मैंने टोका, मैंने इस्लाह की नियत से टोका। मेरी बात सुनिए, आपका फर्ज और मेरा भी और आपका फर्ज, आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। मेरी बात पूरी हो जाए, अच्छा मतलब तो आपको मतलब पूरा हक है, मतलब आप चाहे तो जो चाहे वो कह सकते हैं। मैंने आपको क्यों टोका बताया, मैंने आपको क्यों टोका, मैं आपको बता देता हूँ, वजाहत फरमा देता हूँ। इंसान की मौत का कोई भरोसा नहीं है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत,
हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है। अब मैंने अगर आपकी ये बात सुनी, आपने गलत बोला, अगर मैं आपको ना टोकूं और अगले ही पल अगर आप मर गए, किसी की जान का कब भरोसा नहीं कब मर जाए, तो फिर ये चीज तो बहुत मुझे तकलीफ पैदा करती ना कि इनकी गलती थी, मैंने इनको इसके लिए टोका नहीं और ये मर गए, मिट्टी मिल गए, तो अब वो सब बात खत्म हो गई। अब फिर आप बोले वसीले के ताल्लुक से कुरान मजीद। चलो ठीक है, देखो वसीला होता है किसी जरिया, मतलब कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का। जबकि हम नमाज अजान लगती है, आपको पता होगी अजान लगती है, उसके बाद एक दुआ पढ़ते हैं, उसमें भी है, मतलब दुआ तो मुझे याद नहीं लेकिन उसका तर्जुमा मैंने पढ़ा था। तो वसी अब तलाश करे अल्लाह के लिए वसीला, यही है। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए बात वो हो जाएगी ना, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। जब मैं आपसे पूछा यही है या गलत भी हो सकता हूँ, देखो मुफ्ती या आलिम या तालिबे इल्म हूं मैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आप जब मैं बीच में बोलता हूँ तो आप कहते हैं बात पूरी हो जाने दीजिए, तब वो ये फिर आपको बीच में पूछ लेते हैं। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी बात सही है या गलत है, तो आप ये बता सकते सही है या गलत है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तब। मुकम्मल बात जब आप कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या गलत है क्या सही था। और हमारा आपसे मुतालबा हजरत, हमारा आपने मुतालबा फिर कहीं और जा रहा है। मुतालबा सिर्फ ये है कि कुरान से वो आयत करीमा पेश करिए जिसमें वसीले को हराम करार दिया गया हो, गैरुल्लाह के बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। मेरी बात तो सुनो कम से कम, एक्सप्लेनेशन तो करना दो। देखो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं ये गलत है या सही है, तो आपका फर्ज बनता है ये गलत है या सही है, ये बताइए। आप बताता चलूंगा, जो मैं आपसे पूछूं सही है तो आप सही कह सकते हो, और आप बोले गलत है तो आप गलत कहोगे। जी इंशाल्लाह, अपने इल्म के मुताबिक मैं आपको टोकता रहूंगा। जी बोले जब मैं बोलूं आपसे। जी जरूर। देखिए नमाज में भी अजान के बाद जो दुआ होती है उसमें है ये दुआ कि अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो। जी जी ठीक है, तो उसके नमाज अजान होती है तो उसके बाद हम नमाज में जाते हैं, नमाज हमारी दुआ हो गई, नमाज हमारे लिए दुआ हो, मतलब अल्लाह से हम अपनी नमाजों का भी वसीला ले सकते हैं कि अल्लाह हमने तेरी तेरी लिए नमाज पढ़ी है, तो हमारे इस नमाज की अगर हमारी नमाज कबूल हो रही है तो इसके बदले हम अच्छे हमारे नेक अमल कर दे, हमारे लिए जो दुआ मांग रही हो वो। ठीक है, आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जी, वो भी आपकी इबादत हो गई, इबादत का वसीला ले सकते हो, अल्लाह के अच्छे नामों का वसीला ले सकते हो। ठीक है, अल्लाह के नाम है जो, और जो मतलब बता रहे ना कि देखो मतलब जो लोग मतलब औलिया अल्लाह का वसीला की इनके सदका तुफैल, जी जी ऐसे ही बोलते हैं ना, वसीला लेते हैं इनके सदका तुफैल हमारे गुनाहों को माफ कर दे। जी अल्लाह इनके सदके तुफैल हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें ये चीज अता कर दे। ये बता मेरे भाई, ये बताओ अल्लाह ताला सदका क्यों निकालेगा अपना? जी जी आप अल्लाह ताला अपना सदका क्यों निकालेगा? नहीं नहीं, अल्लाह का सदका कौन निकाल रहा है भाई? इनके सबसे तो फैल, इनके सबसे तो फैल, क्योंकि ये अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रखे हैं, ये अल्लाह के वली हैं, ये सालेहीन में से हैं, ये मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह का कुर्ब इनको हासिल है, इसलिए हम कहते हैं। हमारा आपसे मुतालबा फिर कहीं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप हमारा आपसे बात ये हुई थी कि कुरान और हदीस से आप दलील पेश करेंगे, आप मुझे कुरान से कोई हदीस ऐसी, कुरान से ऐसी कोई आप आयत करीमा नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे अल्लाह सुब्हान व तआला ने वसीले को हराम करार दिया हो गैरुल्लाह के, आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं और इसी बात से मेरा बीपी हाई होने लगता है। तो बराए करम जो हमारा आपका मुतालबा था कि कुरान और हदीस से बात करेंगे, तो कुरान और हदीस से अल्लाह सुब्हान व तआला का वो फरमाने आलिशान दिखाई जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया हो या अय्युहल्लज़ीना तुम पर वसीला लेना हराम है, तुम किसी गैरुल्लाह का वसीला नहीं ले सकते, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वली हो, चाहे औलिया हो, तुम किसी का वसीला नहीं ले सकते। मुझे मुझसे आपका मुतालबा सिर्फ यही है, आप बात को कहीं और मत ले जाइएगा। दावा आपका था कुरान हदीस से बात करेंगे, आप कुरान हदीस से हट रहे हैं। मुझे सिर्फ वो कुरान की नस से, मुझे कुरान की नस से वो आयत करीमा पेश करिए जिसमें वसीला हराम है, बस। चलो अच्छा, अगर आपको ये लगता है मतलब कि अगर आयत ऐसी नहीं है मतलब हासिल करने की, मतलब कुर्ब हासिल करनी, मतलब इनके नाम लेने की नहीं है कोई ऐसी आयत, ठीक है, तो आप इनके वसीला लोगे? आपका जो दावा था हजरत, आपका जो दावा था जनाब, आपका जो दावा था, आप दावा साबित करिए, हम आपसे कोई मंतिक दिमागी मंतिक कयास वाली बात नहीं कर रहे हैं। आपका दावा था कुरान और हदीस। अच्छा ये बताइए, जब आप मुझसे कह रहे हैं, आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, दावा आपका था कुरान और हदीस से हट के कहीं बात नहीं होगी, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, आप कहीं और हट के क्यों जा रहे हैं?
अरे अगर मैं आपसे कहूँ, पूछूं मैं आपसे क्या शराब पीना इस्लाम में हराम है कि हलाल है, तो आप कहेंगे हराम है। मैं कहूंगा आयत पेश करिए, आप तौर से कुरान करीम खोलेंगे, मुझे वो आयत करीमा पेश कर देंगे जिसमें अल्लाह सुभान तआला इरशाद फरमाया है कि शराब पीना मोमिनों पर हराम है, बात खत्म हो गई। अब इसी तरह से वसीला नाजायज है, गैरुल्लाह का वसीला नहीं ले सकते, इसमें अपनी मंतिक मत लगाइए, अल्लाह का फरमान पेश करिए हजरत, हम आपकी मंतिक नहीं मानेंगे क्योंकि आप हुज्जत नहीं मेरे नजदीक। हजरत आयत पेश करिए, आयत नहीं मिल रही तो हदीस पेश कर दीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे जी, देखो कुछ ऐसी होती है जो अपनी दलील से दी जाती है और कुछ ऐसी होती है जो कुरान और हदीस में दी जाती है। अच्छा अच्छा, आप अगली दलील अगर नहीं मानते तो भाई मेरा खाली मैं अकेले का मतलब है, आप जो चाहो वो करो, क्योंकि मैं आपके आपके लिए खाली बता सकता हूँ। कुरान में, जब कुरान में हमें कोई चीज कुरान की नस से साबित हो रही है तो हम अकली दलील नहीं लगाएंगे। अब मैं अच्छा, आपको बताता हूँ, नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुभान व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह मैदा में आयत नंबर 55 में, बेशक मोमिनों के लिए मददगार है और उसके रसूल भी हैं और ईमान वाले यानी के औलिया भी मददगार हैं, ठीक है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वलज़ीना आमनू, अल्लाह सुभान तआला इरशाद फरमा रहा है कि मददगार हैं तुम्हारे लिए रसूल भी हैं और ईमान वाले भी हैं। सूरह तहरीम में अल्लाह सुभान तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों तुम्हारे मददगार हैं जिब्रील अमीन और सालेह मोमिनीन, तुम्हारे लिए सालेह मोमिनीन यानी कि अल्लाह के वली भी मददगार हैं। तो हम तो आपको देखिए, दावा आपका था, दलील मैं पेश कर रहा हूँ, दावा आपका था वसीला हराम है गैरुल्लाह का, लेकिन दलील मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि वसीला हलाल है। आपको कुरान से, मैं आपको एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ, आखिरी मौका, कुरान करीम की नस से साबित करिए या हदीस से साबित करिए। मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आप मुझे इजमाए उम्मत से साबित करिए कि वसीला हराम है। मैं आपको तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप कुरान और हदीस नहीं, मैं आपकी कोई बात तब तक नहीं सुनूंगा क्योंकि कुरान और हदीस के बाहर आप जाएंगे, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि दावा मुतालबा आपका था कि कुरान और हदीस से हटके बात नहीं होगी। अच्छा, पेश करिए कुरान की आयत, कुरान की आयत पेश करेंगे तो सुनूंगा, वरना मैं नहीं सुनूंगा। बताइए पढ़ के, बताइए जिस तरह मैंने आपको बताई, आप बताइए पढ़ के। जी बिल्कुल रुकाऊ, एक मिनट, बिल्कुल मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से ढूंढ लें। क्या है, अभी हम नहीं जा पाएंगे, और बराबर नहीं है जिंदे और मुर्दे, ये अलग रुपए कर दूंगा बेशक अल्लाह सुना, ये अलग रुपए कर दूंगा। आप उसी को मानते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। हाँ, और बराबर नहीं है जिंदे और मुर्दे, जी बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे जी, और तुम नहीं सुना सुनाने वाले उन्हें जो कब्रों में पड़े हैं। ठीक है, अगर आपने बोल लिया तो मैं ऐड करना चाहूंगा, इजाजत दें अगर। बोल दिया मैंने, अब आप बोलिएगा नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। बोलने की, बोलिए बोलिए। हमारा आपका पहला तो मुतालबा ये नहीं है, सबसे पहला मुतालबा हमारा आपका ये हुआ ही नहीं कि हम वली अल्लाह के हयात पे तो बात करेंगे या वो उनके हयात पे बात नहीं करेंगे, हमारा आपसे मुतालबा नहीं था।
हम मैंने कहा था ना बोलने दीजिएगा, हमारा आपका बात हुई थी वसीले पे कि गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है, यहाँ पे इसकी बात नहीं हुई थी कि जिंदा का लेना हराम है या मुर्दा का। दावा आपका था गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है, तो इसमें जिंदा और मुर्दा अभी कुछ चेक नहीं हुआ है। आप जो आयते करीमा मुझे पेश कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसकी तफसीर मुझे तफसीर जलालैन से पेश कर दें या तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेश कर दें, तो आप क्या पेश कर सकते हैं तफसीर उसकी? क्योंकि हर आयत का एक शान नुज़ूल होता है कि वो आयत कब नाजिल की गई, किस वजह से नाजिल की गई, उसका एक पस मंजर होता है। जरा आप इस आयत का पस मंजर ही बयान कर दीजिए बराह करम, अगर आपने इसको बतौर हवाला पेश करा है। मैं आपको एक मौका भी दे रहा हूँ। आपने ये कहा था कि अल्लाह के मददगार अल्लाह के रसूल जिब्रील अमीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। मैं कब कह रहा हूँ, आपने बताई दुनिया में ईमान वाले नहीं है आज घर में मौजूद। मैं कह रहा हूँ गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है, गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है। गैर अल्लाह में हयात भी आ गए, पर्दा जो कर चुके वो भी आ गए, और गैर अल्लाह में हर वो चीज आ गई जो अल्लाह नहीं है। नमाज भी आ गई, रोजे भी आ गए, इबादत भी आ गई, नेक अमल भी आ गए, सदका भी आ गया, खैरात भी आ गया, सब आ गया, गैर अल्लाह में सब आ गया। अब आप ये या तो कहिए कि नहीं, नमाज अल्लाह है, इबादत अल्लाह है, ये मखलूक है और ये अल्लाह है। आपका दावा था गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है। गैर अल्लाह के मायने होते हैं अल्लाह के अलावा हर मखलूक गैर अल्लाह है। ठीक, आप पहुंच गए हैं हयातुन नबी औलिया और अंबिया के, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। हयातुन की जिंदा है कि नहीं है, पर्दा फरमा गए कि नहीं, वो सुन सकते हैं कि सुन नहीं सकते, वो एक अलग मौजू है। मैं आपसे वसीले पे बात कर रहा हूँ कि गैर अल्लाह का वसीला लेना हराम है, ये आपका दावा था। इस पे दलील कुरान और हदीस से पेश करिए। आप जो दलील पेश कर रहे हैं वो अव्वल तो इससे कोई उसका मतलब ही नहीं है हमारे मौजू से, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप वो दलील फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ आप वो पेश करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे उस आयत करीमा की आप मुझे तफसीर भी बयान कर दें। अब आप बोलिए जी। आपके वसीले बता रहे हैं वो देखिए दिखाइए एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल रुके तो देखिए। हाँ हेलो जी, बताएं। ये बता दीजिए भाई कैसे वसीला लेते हैं, कैसे वसीला लेते हैं? हाँ मतलब अब आए पेश नहीं कर पाएंगे आप पुरान से हदीस कोई? मैं अरे सुन दो ना मेरी बात, मैं ऐसे भी मैं चलिए मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, मैं वसीला कैसे लेता हूँ? देखो मैं कोई आलिम या फाजिल या वो तो हूँ नहीं। आपका दावा है कि वसीला लेना गैर अल्लाह का हराम है, ये आपका दावा है। दलील पेश करिए चचा जान, दलील पेश करिए। हम तो अल्लाह सुभान व तआला की बारगाह में जो भी वली अल्लाह हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या तमाम सल्फ सालिहीन हो या तमाम औलिया अंबिया इकराम में से हो, हम तो अल्लाह सुब्हानहु तआला की बारगाह में उनको कबूल और मकबूल समझते हैं, इसलिए हम उनका वसीला पेश करते हैं। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरह मैदा में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान करीम में वसीला, मैं आपको दो, अभी मैंने आपको सिर्फ दो आयते करीमा कुरान से पेश करी हैं, क्योंकि अभी हदीसों का मेरे पास एक बहुत बड़ा मवाद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे अब तक कोई आयते करीमा नहीं पेश कर पाए जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला ने किसी कुरान करीम की नस से आप साबित नहीं कर पाए हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला ने ईमान वालों को किसी भी गैर अल्लाह के वसीला लेने से रोका है, हराम फरमाया है, शिर्क कहा है। आप मुझे नहीं बता पाए हैं, आप हजरत बराए करम उसको बताएं, और अगर आप नहीं बता पाए तो तौबा करें, क्योंकि आपने कुरान के ऊपर झूठ बांधा है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने गैर अल्लाह के वसीला लेने को हराम फरमाया है। कुरान में झूठ को झूठ बांधने वाला काफिर है। वो तो है, मेरी बात सुनोगे जी? सुनाइए आप एक बार, दोस्त पढ़ ले मेरी, आप खुद पढ़ के बता देना, मेरा व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक बंद है, आप कहाँ ढूंढूंगा मैं? एक बार दोस्त पढ़ ले आप। चलिए रुके मैं पढ़ लेता हूँ।
होल्ड करिएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज ढूंढ लीजिए। मिल गई, मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्या लिखा आप पड़ोस में? सब्र करें जी। अब मैं पढ़ रहा हूँ जी, पढ़िए। कुरान साफ कह रहा है या अल्लाह मदद, फिर गैरुल्लाह। आपने पहले तो गैरुल्लाह नहीं गैरुल्लाह लिखा है, गैरुल्लाह। नहीं नहीं ये भी गलती है, बिल्कुल पकड़ूंगा एक एक चीज। अल्लाह सुब्हान व तआला की शान में बात आप कर रहे हो, गैरुल्लाह लिख रहे हैं तो क्यों पुकारने लगे? जैसे या मोहम्मद सल, और ये सल क्या होता है? अच्छा ये सल क्या होता है चाचा? आगे बोलिए। नहीं आगे काहे बोले, ये सल क्या होता है पहले सल बताइए। आपके अंदर इतनी आपको तौफीक नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक के बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर से लिखा जाता है, आपको इतनी भी तमीज नहीं है। चलिए आगे से ध्यान रखिएगा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी। मैं ये स्क्रीन शॉट के साथ ये भी पोस्ट करूंगा, मैं लिए लेता हूँ स्क्रीन शॉट। मैं वही पढ़ रहा हूँ, मैंने बोला ना जैसा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद या अली मदद, ठीक हाँ। इतना लिखा है, इसके बाद लिखा है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, सूरह फातिहा आयत नंबर 4। नहीं इसमें ये बता दीजिए, इसमें बसीला मैंने कहा आराम लिखा। कुरान साहब कह रहा है या अल्लाह मदद, कुरान साहब कह रहा है या अल्लाह मदद। आप इस पोस्ट के मुतालिक मुझसे बात करेंगे, आप नहीं कहा था इसी पोस्ट के मुतालिक बात कर रहा हूँ। कुरान साहब कह रहा है या अल्लाह मदद, सुनो भैया बोलने दो। कुरान साहब आपने लिखा है, कुरान साहब कह रहा है या अल्लाह मदद, फिर गैर अल्लाह को क्यों पुकारने लगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप वसीले के कायल नहीं हैं। इसे वसीला कहते हैं, आप तो बताइए। अगर इसे वसीला कहते हैं ना, अगर इसमें वसीला ये मदद गैर अल्लाह को पुकारते तो इसमें मैं हजार हजार दलील दे रहा हूँ। अब बोलिए आप क्या कह रहे हैं? वसीला कहते, अगर इसे आप वसीला कहते हैं ना, गैर अल्लाह को छोड़ के तुम जिसे पुकारते हो ना, ये अली मदद या गौस मदद या ख्वाज गरी नमाज मदद या अली मदद या जो भी मदद जो इसके मुताबिक बता दूंगा आपको। अगर इसे वसीला कहते हो कि अली मदद, तो इसके मुताबिक इसे वसीला कहते हो आप लोग, तो मैं इसके मुताबिक आपको बता दूंगा। बताइए बताइए। हम पहली बार तो आपको पहली बात ही पढ़ लेना चाहिए, पढ़ ली बेशक। तुझी का मतलब पता, तुझी का मतलब पता, बेशक तेरा ही है सब कुछ, मतलब हम तेरी ही इबादत करते। इसका इनकार किसी ने नहीं किया, इसका इनकार किसने किया है? तो अब हम अल्लाह को मान लिए, हम अल्लाह से कह दिए हम तेरी ही इबादत करते, मतलब अल्लाह को, अल्लाह हमारा खुदा भी है रब्बी, मतलब उसके सब नाम हो गए, ठीक है। अब हम जिससे मदद मांग रहे हैं वो हमारा रब हो गया या नहीं हो गया, आप ये बता दो। हाँ बिल्कुल हो गया, ये किसने इनकार करा है? हम तो खुद कहते हैं हमारा अकीदा ये है कि हकीकी मदद करने वाला खुदा वंदे आलम ही है, लेकिन उसके जो प्यारे बंदे हैं वो हमारी दुआ जो उसकी बारगाह में कबूल और मकबूल हैं, अल्लाह उनका वसीला लेने का हुक्म कुरान करीम में दे रहा है। तो ये बताइए कहाँ दे रहा है? जी बताइए, बिल्कुल दे रहा है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, बेशक मोमिनों के लिए अल्लाह मददगार है और उसके रसूल भी हैं और ईमान वाले भी हैं। और इसकी तफसीर में पढ़ेंगे तो ईमान वाले की तफसीर बैजावी पढ़िएगा, तफसीर रूहुल बयान पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है साहब कि यहाँ ईमान वाले से मुराद कोई आम आदमी नहीं है, सल्फ सालेहीन है, अल्लाह के वली है। अब आज के दौर में नहीं है कोई ईमान वाला? अरे बिल्कुल है ईमान वाले, बिल्कुल है। हम तो अपने जिंदा वलियों का भी वसीला लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हुजूर दादू शरिया है हम तो उनका भी वसीला लेते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पर्दा फरमा चुके हैं उनका भी वसीला लेते हैं, और हमारे जो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है उनका भी वसीला लेते हैं, वो सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल और कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे कह दो या ख्वाजा मदद, मतलब या रूहुल अमीन मदद या जो मदद, बेशक अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इनसे मदद मांग सकते हो, अल्लाह कह रहा है बेशक मोमिनों के लिए अल्लाह मददगार है और उसके रसूल भी हैं और ईमान वाले भी हैं। मेरे भाई मदद मांगना कुर्ब हासिल करना, और अल्लाह तक हम इन्हीं के थ्रू कुर्ब हासिल कर रहे हैं अल्लाह का। मुझे कुरान की वो आयत पेश करिए जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों तुम किसी वली अल्लाह का उसके पर्दा फरमाने या उसके जिंदा रहने में उसका वसीला नहीं ले सकते, वो आयत पेश करिए कुरान और हदीस से हटके मत जाइए। मैंने अभी 22 आयत नंबर सूरह साफ़िर की आयत नंबर 22 पढ़ी, मैंने आपसे कहा कि वो आयत करीमा इस ताल्लुक से है ही नहीं, वो तो आयत करीमा इस ताल्लुक से नहीं है, और आपका यहाँ अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बात सुनिए, सुनिएगा
आपने जो आयते करीमा पेश करी उसका मतलब यह है कि जो पर्दा फरमा गए वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते, ठीक? हाँ, चलिए मान लिया मैं उनसे मदद नहीं ले रहा हूँ, माना एक टाइम, जो अल्लाह के अभी और जो नेक बंदे जिंदा हैं उनका वसीला ले सकते हैं कि नहीं अल्लाह की बारगाह में? हाँ, ले सकते हैं। अगर मैंने पुकारा अल मदद या हुजूर ताजुल शरिया के वसीले से अल्लाह ताला मेरी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मैंने ये कहा, ये जायज है? नहीं नहीं, आप ये बताओ, ये जायज है कि नहीं? ये जायज है कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट, ये नाजायज है, ये एक मिनट, ये नाजायज है। अगर ये भी नाजायज है, अगर ये भी नाजायज है, तो फिर आपने कुरान करीम की आयत पेश क्यों करी अभी? सूरह फातिर की, सूरह फातिर की आयत पेश क्यों करी? सूरह फातिर की आयत पेश क्यों करी? सिर्फ जवाब दीजिए, सूरह फातिर की आयत पेश क्यों करी? तो आप सुनोगे तब बोलने दो, सुनाइए, ये बोले पड़े सूरह क्यों करी, बोलिए 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 बोलिए। अरे आप नहा लीजिए एक बाल्टी से, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई। चलिए चलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सूरह फातिर पर आयत पेश क्यों करी, बोलिए। देखिए आप मदद मांग रहे हैं, जी जी मांग रहे हैं, दुनिया में किसकी जात जिंदा है ये बता दीजिए मुझे। मैं आपसे कह रहा हूँ कुरान करीम से, आप मंतिक क्यों लगा रहे हैं? कुरान करीम से आयत पेश करी, बात खत्म करते हैं। आपके पास कोई, आपके पास कुरान की आयत नहीं है ना? आपके पास बेशक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक अल्लाह की इबादत सब करते हैं, अल्लाह सुभान, बेशक हकीकी मदद करने वाला अल्लाह है, हकीकी मदद करने वाला अल्लाह है। और आप कह रहे हैं आप किसी गैर अल्लाह से मदद नहीं मांगते, तो आप सूरह मायदा की आयत नंबर 55 के मुनकिर हो गए और कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर है, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए अल्लाह तुम्हारे मददगार है अल्लाह, उसके रसूल भी हैं और ईमान वाले भी हैं। आप इस आयत के मुनकिर हो गए, आप इस आयत के मुनकिर हो गए, आप इस आयत के मुनकिर हो गए, आप काफिर हो गए, अपने बकौल काफिर हो गए आप। अच्छा जी, बिल्कुल, बस इतना बहुत हो गया आपके लिए। अच्छा, रुजू लगा दिए फतवा? फतवा नहीं लगाया, बकौल आपके काफिर हो गए, क्योंकि आपने कहा कि अल्लाह सुभान व तआला ने इरशाद फरमाया किसी गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग सकते, जबकि मैंने आपको आयत करीमा पेश करी, इसमें अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे मददगार ईमान वाले भी हैं, तुम्हारे ईमान, तुम्हारे मददगार ईमान वाले भी हैं। मैंने आयत पेश करी और इसको 3 मरतबा पेश करी, तफसीर के साथ पेश करी, हवाले के साथ पेश करी, तर्जुमे के साथ पेश करी, अरबी जबान के साथ पेश करी। ये सब सुनने के बावजूद आपने कहा कि नहीं अल्लाह ऐसा नहीं कहता, अल्लाह नहीं फरमाता, ये कुरान की आयत का इंकार नहीं, तो क्या है? अल्लाह ऐसा नहीं कहता, आप ही ने कहा है, आप ही तो कह रहे हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारा मददगार कोई नहीं सिर्फ मेरे। हम एक दुआ मांगने की बात हो रही है, हाँ, तो मददगार वो लोग कैसे हो जाएंगे जो ना आप जिसे तुम लोग पुकारते हो? अच्छा, मैं ना तुम एक नबी आप कह दीजिए, मैं ना तफसीर, 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 तफसीर आयत की, इस आयत की तफसीर बताइए, तफसीर जो मैं पढ़ रहा हूँ जो बांग्ला की तफसीर, तफसीर बताइएगा, तफसीर। अरे सुन तो लो, हाँ सुन रहा हूँ, सूरह सूरह जिन्न की आयत नंबर 21 जी, तफसीर बताइए। नबी आप कह दीजिए, मैं ना तुम्हारे नफे का इख्तियार रखता हूँ जी, जी जी, इस आयत की तफसीर बताइए जी, इस आयत की तफसीर बताइए। एक मिनट, एक मिनट जी, जी जी जी, हाँ तफसीर बताइए। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हेलो, आपने फोन ही काट दिया भाई साहब? फोन काट नहीं दिया भाई साहब, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग पे लगा है। चलिए थोड़ी देर में बात करूं, तफसीर बताइए, थोड़ी देर में बात करूं,
वो फोन ऑफ कहाँ हुआ था? जैसे ही फोन कटा है मैंने फौरन कॉल करी थी, बिजी बता रहा था, फोन ऑफ कहाँ हुआ था? अच्छा बैटरी स्क्रीन शॉट दीजिए फोन की स्क्रीन का, देखें कितनी बैटरी है। यार भरोसा नहीं मेरे ऊपर। नहीं भरोसा है भाई, जो कुरान के ऊपर, जो कुरान की लानतुल्लाह अल काज़िबीन, आपके ऊपर ये चीज फिट हो रही है क्योंकि आपने दावा करा है और दावे के लिए दलील मांगी, आप भाग गए, राय बिरार इख्तियार कर ली, आप टूटे हैं। चलिए ठीक, मेरे ऊपर मैं गिला रहा था, अगर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ फोन करा हो अपने आप, बस हो गया, बस हो गया। अच्छा स्क्रीन शॉट दे दो ना फोन का स्क्रीन शॉट दे दो। ये बात मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं है, काहे भरोसा होगा भाई, क्या हमारे नसीब कुछ है क्या, या आप कोई मासूम है? चलो ठीक है, मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राहिल खान नाम है आपको? राहिल खान ऑन हक। व्हाट्सएप कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं क्या? वैसे ही अटैच कर लीजिए। काहे पे भेजिए? फेसबुक पे? फेसबुक पे रुकिए, देख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं जो तेरे, कामरान जमीर के नाम से आपका नाम है, है? अरे किस नाम से रिक्वेस्ट भेजी है? ए भैया, ओ बाबूजी, हेलो हेलो भैया, बहुत भगोड़े हो तो यार तुम लोग, बाखुदा कहाँ रिक्वेस्ट भेजी भैया, पाताल में भेज दी क्या? कह भैया नेताजी, हेलो मिल गया, कहाँ भेजा ये तो बताओ बाबूजी। अरे मैसेंजर पे भेजा है मेरे भाई। हाँ तो दो मिनट सबर करिए, बताइए तो कहाँ भेजा है, हम व्हाट्सएप तलाश रहे हैं। अरे मैसेंजर चेक कर लीजिए। नहीं आपका कोई मैसेज नहीं आया मैसेंजर पे? अरे यार मैसेज राहिल खान भेजिए और माय प्रोफाइल पिक्चर भेजो। ये डीपी लगी है ना, मरहबा या मुस्तफा वाली आपकी पे है? मरहबा या मुस्तफा? जी मरहबा या मुस्तफा लिखा है। चलिए जी, उसी पे मैसेज सेंड हो गया, तो मैसेज सेंड हो गया है भैया, कहो तो हम इसका स्क्रीनशॉट दिखाएं कि नहीं सेंड हुआ है, है? अच्छा व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हेलो हेलो नेताजी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए यार, नंबर सेव करना पड़ेगा आपका। कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है भाई, दो बार भेज भी देख लो भाई, बापुदा नहीं आया यार, हम कसम झूठी थोड़ी ना खाएंगे। अरे आप इसी फोन से फोन कर रहे हो? हाँ। अरे आप सिम कार्ड से पहले, अरे लैपटॉप पे हमारे फेसबुक ऑन रहता है, दूसरे फोन पे ऑन रहता है, टैब पे ऑन रहता है, और हमारे जो फोन में इसमें भी रिफ्रेश सब कर लिया है, 40 MBPS की स्पीड कनेक्शन है मेरा। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, नहीं आया। चलो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ व्हाट्सएप करिए।